हेलो दोस्तों, आपका इस आसान है चैनल पर स्वागत है। आज हम सीखेंगे विच। विच का क्या अर्थ है और इसको सेंटेंस में जहाँ पर ये लिखा होता है क्या मतलब होता है। विच का मतलब है कौन सा। विच इज योर पेन, विच इज योर पेन, कौन सा आपका पेन है। सिंपल भाषा में कहते हैं आपका पेन कौन सा है। द रेड, रेड का मतलब होता है लाल। द रेड पेन इज माइन, माइन मतलब मेरा, मेरा या मेरे। यह रेड कलर का पेन जो है वो मेरा है। ठीक है, आगे विच गेम डू यू लाइक, आपको कौन सा गेम पसंद है। आई लाइक हॉकी, मुझे हॉकी पसंद है। गेम का मतलब खेलना होता है कि कोई सा गेम हो, गेम खेलना पता ही है आपको। और लाइक का मतलब पसंद होता है। अब इस क्वेश्चन में पूछा है विच गेम डू यू लाइक, ये गेम की बात कर रहा है तो हमें यहाँ गेम लिखना जरूरी नहीं है, हम सीधा जवाब देंगे आई लाइक हॉकी, मुझे हॉकी पसंद है। इन विच क्लास डू यू स्टडी, स्टडी का मतलब पढ़ाई होता है, रीड का मतलब पढ़ना होता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ स्टडी मतलब पढ़ाई होती है। मैं सिक्स क्लास की पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं बुक पढ़ रहा हूँ तो इसके लिए रीड लगाएंगे, रीड रीडिंग। इन विच क्लास डू यू स्टडी, आप किस कक्षा में पढ़ते हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं। आई स्टडी इन सिक्स क्लास, मैं कौन सी क्लास में पढ़ता हूँ, सिक्स क्लास में। सिक्स क्लास की जगह स्टैंडर्ड भी यूज कर सकते हैं, आई स्टडी इन सिक्स स्टैंडर्ड। विच बुक डू यू वांट, विच बुक डू यू वांट, बुक का मतलब किताब होता है, वांट का मतलब चाहना होता है। वॉन्टेड फिल्म देखी होगी आपने, इसी की सेकेंड फॉर्म है वांट। वांट का मतलब चाहना होता है। विच बुक डू यू वांट, आई वांट 0 to 1। अब मुझे बुक नहीं लिखना क्योंकि बुक क्वेश्चन में बोल रखा है उसने। आई वांट 0 to 1, 0 to 1 बुक का नाम है जो कि बहुत ही बेहतरीन बुक है बिजनेस के लिए। इन विच स्कूल डू यू स्टडी, इन विच स्कूल, विच मतलब कौन से, इन विच स्कूल, कौन से स्कूल में आप पढ़ते हो, पढ़ाई करते हो। आई स्टडी इन आसान है स्कूल, प्रचार तो ये मैंने आसान है अपना प्रचार करने के लिए लिखा है। आप इसकी जगह आई स्टडी इन डैश पब्लिक स्कूल जो आपके स्कूल का नाम है, आई स्टडी इन गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल, स्कूल, गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल, जो भी आपके स्कूल का नाम है वो लिख सकते हो जवाब देने के लिए। आई स्टडी इन आसान है पब्लिक स्कूल या आसान है स्कूल। इसी तरह से हम यहाँ पर बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको व्हाट, हुज, विच, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, इन सब के मतलब बता रहा हूँ अलग अलग वीडियोज में। तो ये जो हमारा वीडियो है ये विच के लिए, इसी तरह की मैंने और भी वीडियोज बनाई है तो उन्हें जरूर देखें और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। आगे जो मैंने माइन बोला था उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। आई एम योर्स, मैं आपका हूँ, तो आई से माइन कैसे होता है, तो आई एम योर्स, आई एम योर्स, आई एम योर्स का मतलब मैं आपका हूँ, यू आर माइन। जब आई सब्जेक्ट होता है तब आई होता है, लेकिन जब आई जो होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है मतलब लास्ट में आता है तब वहां पर मी आता है। कभी भी आपको लास्ट में आई लिखा हुआ नहीं मिलेगा, जैसे कि हु, दे एंड आई, तो आई होता है पर ज्यादातर पर जो आई है लास्ट में जाके मी बन जाता है जब हम आई को चेंज करते हैं। आई एम योर्स, आई एम योर्स, मैं आपका हूँ, यू आर माइन, आप मेरे हो, जब हम खुद को बाद में रखते हैं तो वो मी बन जाता है। अब ये यहाँ पे आई एम, ये कैसा निशान है, तो ये आई एम होता है, आई एम की शॉर्ट फॉर्म होती है। तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें इंग्लिश में है जो कि बहुत आसान है, सिर्फ हमें पता नहीं होती क्योंकि हमने उन्हें कभी कोशिश नहीं किया होता जानने का। अगर हम जाने तो इंग्लिश कुछ भी नहीं है। तो धीरे धीरे मेरे चैनल से चैनल जुड़े, छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये छोटी बहुत ही चीजें और बहुत ही बेसिक चीजें हैं, पर अगर आप रेगुलर एक एक चीज सीखते रहेंगे तो धीरे धीरे आप खुद ही एडवांस हो जाएंगे, बेसिक से एडवांस खुद ही कन्वर्ट हो जाएंगे, आपको कोई कर नहीं सकता। बस रेगुलर हमें पढ़ने की, रेगुलर हमें सुनने की, रेगुलर हमें देखने की जरूरत है। तो वीडियो को देखते रहे, लाइक सब्सक्राइब करते रहे, शेयर करते रहे और अपने इस भाई को सपोर्ट सपोर्ट करते रहे, और इस वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मेरी बात दूसरे लोगों तक पहुँचाने की पहुंचाने की कोशिश कोशिश करो। मैं आपको हिंदी इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश पढ़ना लिखना लिखना सिखा रहा हूँ बहुत बेस से, अ आ से से हिंदी इंग्लिश और ए बी बी सी डी से इंग्लिश, तो दोनों मैं सिखा रहा हूँ आपको अलग अलग चैनल पे, आदित्य मोहन ठाकुर, जो कि आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इंग्लिश, सीख सकते हैं। और यहाँ पर मैं मैं आपको हिंदी सीख, यहाँ वहाँ पर अगर जाकर आप हिंदी सीख सकते हैं यहाँ पर जाके इंग्लिश सीख सकते हो। जी हिंदी इंग्लिश के चक्कर में मैं थोड़ा परेशान हो गया हूँ। तो धन्यवाद आपका इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, अपना कीमती समय इस वीडियो पर खर्च करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। थैंक्स अ लॉट।